ये फिल्म एक्चुअली एक थ्रिलर है और 30 मिनट्स, क्योंकि हम सोचते हैं कि इट्स बहुत ही एक आजकल हिंदी अंग्रेज़ी कोई भी भाषा में आप बोले तो 30 मिनट 30 मिनट्स आ रहे हैं। हम लोग एक वक्त, वी आर ऑल टाइम बाउंड, तो क्योंकि हम टाइम बाउंड है, हम लोगों की आदत हो गई है चाहे वो टाइम पे रहें या ना रहें। मगर जब वो एक जो इतना पंक्चुअलिटी को लेकर अगर कोई बहुत ज़्यादा इस पे एम्फोसिस करे और किसी के ऊपर थोप दे, स्पेशली चाइल्डहुड में कोई भी बात हो, चाहे वो टाइम हो या कुछ, तो वो व्यक्ति जब बड़ा हो जाता है तो उस पर क्या बीत सकती है और क्या हो सकता है। कहानी का बस ये मुद्दा तो ये है, बट इट्स अ थ्रिलर। जब आप फिल्म देखेंगे, मेरा किरदार ऐसा है कि जब आप देखोगे आपको लगेगा ये एक है या दो है या वही है लड़की। थोड़ी सी एक मिस्ट्री रखी है क्योंकि थ्रिलर है एंड फास्ट पेस्ड फिल्म है। और पहले तो बहुत लोगों को लगा 30 मिनट्स, मतलब सिर्फ 30 मिनट्स को लेकर कुछ है, तो जब आप देखेंगे तो आपको यू विल डेफिनेटली लाइक व्हाट इट्स ऑल्सो साइकोलॉजिकल थ्रिलर इन अ वे इट इज़। यस, देखे ऐसे होता है कि अगर हम पंक्चुअल है तो सामने वाला नहीं है और सामने वाला तो हम ही, तो ऐसे कई बार हो जाता है। और ये एक बहुत लोग नियम इसे फॉलो भी करते हैं और बहुत लोग नहीं भी करते हैं, हर एक की अलग वजह है। और कभी कभार ठीक है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम टाइम के साथ चलना अच्छा है क्योंकि वक्त ही सब कुछ है जी। तो ऐसे लोगों को कुछ कहना चाहेंगी रिशिता जो टाइम के पंक्चुअल नहीं है? मैं कहूँगी कि अगर कोई ज़्यादा जेन्युइन वो ना हो इशू, तो डेफिनेटली आप टाइम से चले, इट विल बी गुड फॉर यू, फॉर अदर्स हु आर देयर। एंड जैसे कि कई बार हम सेट पे होते हैं तो हम यही कोशिश करते हैं कि जितना हो सके हम टाइम पे रहें, और नहीं रह पाते तो उसमें भी वजह होती है। बट चाहे आम जिंदगी में भी हो, तो जितने लोग ऑफिस जाते हैं वो भी तो टाइम बाउंड होते ही हैं। तो आई वुड से यस, यू शुड हैव अ डिसिप्लिन, चाहे आप जो भी टाइम को यू नो फॉलो करना चाहे। इट वॉज क्वाइट सफोकेटिंग फॉर मी फ्रॉम चाइल्डहुड एंड आई नेवर लाइक्ड इट, दो आई लव द लाइट एंड वो जो पटाखे जब हम फोड़ते हैं या कुछ होता है, जैसे अनार है, चक्री है, फुलझड़ी है, दीज आर वेरी ब्यूटिफुल एंड प्योर यू नो वेज ऑफ सेलिब्रेटिंग दिवाली। शगुन के लिए हम फुलझड़ी भी जलाते हैं एंड दिए तो होते ही हैं। सो मेरा मकसद यही होता है दैट दिवाली सिग्निफाइज फॉर एवरीबडी टू ब्रिंग इन लाइट इन योर लाइव्स एंड कीप इट फॉर द फुल ईयर अराउंड एंड ब्रिंग इन लॉट ऑफ जॉय एंड बर्न अवे एंड सारी जो डार्कनेस है उसे निकाल दीजिए। मन से रंगोली करती हूँ एंड ये शौक बहुत पहले से है, तो रंगोली दिए ये सब मैंने हमेशा किया। आई एंजॉयड जितनी भी क्रिएटिव प्रकार की जो चीज़ें, चाहे वो डांस हो या कुछ भी हो, मैंने हमेशा उसे किया है बचपन से, तो वो अभी भी बरकरार है, जारी रखा है मैंने। एंड आई लाइक डूइंग ऑल दीज थिंग्स बिकॉज जब मैं घर पे होती हूँ, ऐसे आई थिंक एक साल पहले या दो साल पहले वाइल आई वाज नॉट एट होम, तो मैं शूट पे थी, ऑब्वियसली टीम मेंबर्स ने भी मनाई थी दिवाली और छुट्टी थी, बट एट द सेम टाइम मैंने दिए भी उधर भी किए थे और रंगोली भी की थी। तो एवरीबडी, आई लाइक टू इन्वॉल्व एवरीबडी टू सेलिब्रेट दिस ब्यूटीफुल फेस्टिवल। मैं सबसे पहले उनको थैंक यू कहना चाहूँगी कि उन्होंने, स्पेशली टू देयर पेरेंट्स हु हैव गिवन बर्थ टू सच वंडरफुल सोल्स, कि हम यहाँ बैठे इतनी शांति से, आराम से हम जो बात कर रहे हैं इज़ बिकॉज ऑफ देम। I really pray for not just their souls to rest in peace, but also the entire family, के उन्हें जितना loss हुआ है वो हमें भी उतना loss हुआ है, लेकिन हमें इतना ज़्यादा गर्व है उन लोगों पर कि उन families को मैं ज़रूर हम सब के तरफ से thank you कहना चाहूँगी। और कहना चाहूँगी कि आप जैसे parents and wives and family members and जैसे लोगों की वजह से we are what we are today with so much of independence and freedom, and aapka hausla hamesha badhke rahe, and I just pray that aap ye tyohar aur koi bhi din agar hai to aap khushi se manaye, kyunki aap logon ko garv hona chahiye।